सात बजे चांदना नगोटा पीएस के लिमिट सलाला में अभी एक घर में मोहम्मद बा इस्माइल अहमद बा इस्माइल भाई है, उन्होंने उनके दोनों भाइना पे चाकू से मारे और यहाँ से जाने के बाद बारापुर पीएस लिमिट से भी और एक बहन रहते हैं वहाँ पे भी उनको चाकू से मारे, मार के उन्होंने भाग गए। इस पर हम लोग स्पॉट पे आए, स्पॉट पे आने के बाद यहाँ पे उनके एक बहन यहाँ पे थे मरूम, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और एक जो है उस्मान हॉस्पिटल में उन्होंने शिफ्ट होने के टाइम पे वहाँ ब्रांडेड है, इसमें केस रजिस्टर करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शाम को साढ़े छः और के आस पास सब थोड़ा लाउडली बोलिए, आज शाम को साढ़े छः सात बजे के आस पास ये सलाना वर्कआउट एरिया में यहाँ पे दो बहनों का जो है वो स्टैबिंग हुआ और शुरू की तहकीकात में ये मालूम हुआ है वो जो बहनों का जो भाई है भाई नेम इस्माइल 27 ईयर ओल्ड, उसने ही दोनों बहनों को स्टैब किया, उसके बाद वो यहाँ से भाग के उधर गया अपना बालापुर एरिया में, वहाँ भी अपनी तीसरी बहन को और उसके हस्बैंड को वहाँ भी स्टैब किया और शुरू की तहकीकात में ये मालूम हुआ है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है और फैमिली मेंबर के अनुसार कल यहाँ पे एक मीटिंग किए ये लोग पूरे फैमिली मेंबर्स मिलके कि इस घर का क्या करना है, प्रॉपर्टी का क्या करना है। तो बहनों ने कहा इसको कि जो तुम्हें करना है भैया तुम्हारी प्रॉपर्टी तो तुम्हें करना करो, लेकिन आज फिर इसने फ़ोन करके दोनों बहनों को यहाँ पे बुलाया और उनको स्टैब किया और पुलिस ने आने के बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया उस्मानी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाके ये दुख की बात है कि दोनों बहनों की जो है वो मौत हो गई और अभी हमारी तरफ से हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से टीम बना दी गई है और वी आर सर्चिंग फॉर हिम एंड पूरा यहाँ पे इस एरिया में पूरा अपनी टीम जो है वो उसको ढूंढ रही है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं और उधर से रत्तकोंडा की तरफ से भी उनकी भी टीम्स हैं और हमारी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के उसको जो है अपना अरेस्ट करके उसको जो है कानून के द्वारा जो भी सजा वो दिलाई जाएगी। इसके अलावा उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी है, वो लास्ट ईयर 6 मार्च को उसने अपनी बीवी का भी कत्ल किया, उसमें उसको अरेस्ट किया गया था, उसको जेल भेजा गया था, उसमें अभी वो बेल के ऊपर बाहर था लेकिन बाहर आने के बाद उसकी कोई भी ऐसी कोई गलत एक्टिविटी नहीं थी। तो अभी जो शुरू की जो अपनी तहकीकात है उसके अनुसार ये सिर्फ विद इन फैमिली ही कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और उसके कारण जो है ये जो यहाँ पे जो है ये डबल मर्डर हुआ। थैंक यू।